हेलो एवरीवन, रीना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बनाएंगे बेसन का चीला, जो कि कभी आपको हल्का फुल्का नाश्ता करने का मन करता है या शाम के टाइम अचानक से भूख लग जाता है, तो ये बहुत ही करारा क्रिस्पी आप आराम से बना सकते हैं 5 मिनट में, ये बेसन का चीला। तो चलिए फटाफट इसकी रेसिपी शेयर करते हैं आप लोग के साथ में। इसे अगर एक बार बनाएंगे तो आपको हफ्ते में 2 बार खाने का मन करेगा। और बनाना एकदम आसान है, झटपट आप बना के इसे ट्राई कर सकते हो। तो चलिए फटाफट इसकी शुरुआत करते हैं, आप लोग के साथ में इसकी रेसिपी शेयर भी करते हैं, और आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए बेसन चाहिए होंगे, तो हमने 1 कप ले लिए, उसमें हम चम्मच से नाप के बेसन ऐड कर रहे हैं। तो इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच बेसन, ये देख सकते हैं आप, 1 कप में 3 चम्मच बेसन आया है। तो बेसन को हम इस बाउल में डाल देंगे और इसमें डालेंगे जिस चम्मच से हमने बेसन लिए थे उसी चम्मच से हम 1 चम्मच इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो बेसन के क्वांटिटीज़ के हिसाब से आप चीनी सूजी ऐड करें। तो सूजी ऐड करेंगे 1 चम्मच, उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसमें हींग ऐड करेंगे। और हींग आप लोग को पता होगा पाचन शक्ति के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डालेंगे। और बस इस तरीके से डालने के बाद अब हम पानी की मात्रा बताएंगे। तो हमने 1 कप बेसन लिया, तो पूरा 1 कप पानी इसमें लग जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पहले हम पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो कभी भी बेसन में पानी डालें ना, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी आप डालें बेसन में। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो बैटर बहुत अच्छा से तैयार होगा, स्मूथ। तो इस तरीके से हमने बैटर तैयार कर दिए हैं, अब इसे रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक सब्जियां कट कर लेंगे। तो हमने लिए हैं गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। बाकी आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, या आपको जो पसंद नहीं है वो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो बारीक हम चॉप करेंगे सब्जी को, क्योंकि सब्जी को हमें पकाना नहीं होता है, चीला के ऊपर में डालेंगे तो अपने आप सब्जी पक जाता है, तो इसलिए सब्जियों को बारीक चॉप कर लेंगे। तो बारीक चॉप हमने शिमला मिर्च कर लिए, बारीक चॉप प्याज किए, 1 हरी मिर्च कर लिए, और गाजर को अब हम क्या करेंगे ना, कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ा सा टाइट होता है। तो ये रेसिपी ना आप अपने के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत पसंद आएगा उन्हें, और बनाने में सुबह के टाइम में जल्दीबाजी में ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, फटाफट बनके तैयार भी हो जाता है। तो गाजर हमने कद्दूकस कर लिए हैं, अब करते हैं देख लेते हैं, तब तक हमारा जो बैटर है वो भी सूजी फूल गया है, तो इसे हम ले लेंगे ग्राइंडर जार में, इस तरीके से पीस लेंगे। तो हम ग्राइंडर जार में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बैटर को, और बस इसको ढक्कन लगाएंगे, और ढक्कन लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे ना, पीस के तैयार करेंगे। देखिए ये हमारा बैटर जो पीस के एकदम तैयार हो गया है, देख सकते कितना स्मूथ हुआ है। तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और चलिए फटाफट ये चीला बनाते हैं, जो कि एकदम मज़ा आ जाएगा खा के। तो थोड़ा सा पानी इसमें कप में हमने बचा लिए थे, तो वही हमने डाल दिए हैं इसमें लास्ट में। फिर हमने लिए हैं डोसे वाले तावा, आप नॉनस्टिक कोई सा भी पैन ले सकते हैं, तावा ले सकते हैं, उसमें पानी का छींटा मार देंगे और कॉटन कपड़ों से इस तरीके से साफ़ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 कड़छी बैटर लेंगे बेसन, जिस तरीके से हम लोग डोसा के लिए बैटर तैयार करते हैं, फैलाते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से हल्के हाथों से इस तरीके से फैलाएंगे। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा जो करारा क्रिस्पी बेसन का चीला बनके तैयार होगा। तो ऊपर से थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे कि और क्रिस्पी बन जाएगा ये, और आप देखेंगे ना कि साइड साइड से देखेंगे कि देखिए बहुत आसानी से ये छोड़ दिया है तावा, और हल्का हल्का गोल्डन कलर भी आने लगा है, कलर चेंज होने लगा है। तब इसमें हम डाल देंगे वेजिटेबल्स, तो हमने डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च, और थोड़ा सा हम क्या किए ना, अपने बच्चों के लिए बना रहे थे तो हम इसमें मिर्च वगैरह का कम ऐड किए थे। और आपको अगर अपने लिए बना रहे हो तो आप बहुत सारी सब्जियां डालिएगा अगर पसंद हो तो। इसमें प्याज डाल देंगे, गाजर डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, जो मन करे इसमें जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो सब सब्जियां आप इसमें ऐड करेंगे मन पसंद की, और हरी मिर्च डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम पनीर कद्दूकस करके। तो ये देखिए पनीर को हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से कद्दूकस करेंगे, इतना टेस्टी लग रहा था कि आपको अगर एक भी खाने का मन करेगा तो आप इसके सामने 2 खा लोगे, इतना अच्छा लगता है खाना। तो आप ट्राई ज़रूर से करिएगा इस तरीके से बेसन का चीला। उसके बाद इसमें चटपटा बनाने के लिए इसमें डाल देंगे हम पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा छिड़क देंगे,
और टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे। बस ध्यान रखेंगे कि हमने बेसन में थोड़ा सा नमक ऐड किए थे, थोड़ा सा नमक इसमें हम सब्जियां में ऐड कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से क्या करेंगे, साइड से फोल्ड करेंगे और इस तरीके थोड़ा सा देर इसको इस तरीके से दबा देंगे जिससे कि ये खुले नहीं और इस अंदर से भी ये क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरीके से एक तरफ रख के थोड़ा सा एक सेकेंड दो सेकेंड के लिए इस तरीके से इस पर दबा देंगे इस तरीके से। और ये देखिए फटाफट ये जो बेसन का चीला है हमारा एक बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही करारा क्रिस्पी बनता है ये, और खाने में तो पूछो मत, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसी तरीके से दोबारा बना लेंगे। तो फिर तवे पे डालेंगे पानी का छीटा और इस तरीके से कॉटन कपड़ा से साफ़ करेंगे। एक कड़छी बैटर फिर लेंगे और इस पे बैटर डालेंगे और फैला देंगे धीमी धीमी हाथों से, हल्के हाथों से फैला देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये रेसिपी हमारी पसंद आई होंगी। तो पसंद आएंगे तो आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा और शेयर जरूर से करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल तरीका हमने बताया है, फटाफट आप बना के ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए दोबारा भी हमने बेसन का चीला फैला दिए हैं, ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे, फिर ऊपर से जो वेजिटेबल्स हमारे पास हैं वो सारे वेजिटेबल्स इस पर डाल देंगे। गाजर, शिमला, शिमला मिर्च है, प्याज है, बाकी पनीर वगैरह हम लोग कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे और फिर से इस पर भी पाव भाजी मसाला और नमक डालेंगे। और ये देखिए हमारा ये भी चिल्ला बनके तैयार हो गया है। मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगेंगे आपको, फटाफट बनके ये तैयार भी हो जाएगा। तो और आप बच्चों को लंच बॉक्स में, अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या शाम के टाइम छोटी मोटी भूख लगती है तो भी आप ये बेसन का चीला बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये भी चीला बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं इसका कलर देखिए काफ़ी अच्छा आया है। और ये देखिए इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं इस तरीके से कट करके। ये देखिए बहुत ही शानदार, इसी बहाने बच्चे सब्जियाँ भी खाएंगे, थोड़ी ही है लेकिन बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस बहाने बच्चे आपकी सब्जियां भी खाएंगे अगर आप इस तरीके से बना के देते हो तो। तो ये देखिए, तो कल हम आप लोग से फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो आप लोग से कल, आप तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।